शर्मा टेल सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ये विशेष कर ऐसे विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका ही विषय है सोशल साइंस। इस वीडियो में आपको चैप्टर 5 के कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर है आपको मैं बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने समय से ऊपर कई जरूरी वीडियो है लाते रहता हूँ, जैसे आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट, आपका प्रैक्टिकल। इससे जरूर जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में ये वीडियो मैंने उन विद्यार्थियों को सोच के बनाया है जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, या आप में से ऐसे बहुत से वर्किंग स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और अपनी जॉब से टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि अपना वो कहीं जाके अपना पढ़ाई कर सके। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए वीडियो जरूरी आता है। तो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखा जाए पहला क्वेश्चन, इस सवाल में हमसे कहा जाता है फूड डालो राजगुरु से आप क्या समझते हैं? फूड डालो राजगुरु नीति क्या थी? फूड डालो राजगुरु की नीति क्या थी? तो देखा जाए यहाँ पे अंग्रेज सरकार ने भारत में अपने शासन की कमज़ोर हो रही जड़ों को मजबूत करने के लिए फूड डालो राजगुरु की नीति अपनाई। अंग्रेज सरकार ने हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए यह नीति अपनाई थी। सन 1905 में हुए बंगाल के विभाजन का एक प्रमुख कारण भी फूड डालो राजगुरु नीति था। तो देखा जाए यहाँ पर अगर देखिए अंग्रेज सरकार ने भारत में हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए फूड डालो राजगुरु नीति अपनाई, जिसमें गलत है कि उन्होंने हिंदू मुसलमानों को अलग करने की जो है पैंतरे अपनाए कि ताकि हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा सके, उनकी एकता को तोड़ा जा सके, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही खतरनाक थे, अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहे थे, अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान पहुँचा रहे थे। तो ऐसे में जो अंग्रेज ने सोचा कि अगर हिंदू और मुस्लिम को दोनों को अलग कर दिया जाए, दोनों की एकता को तोड़ दिया जाए, तो वो भारत में लंबे टाइम तक राज कर सकेंगे। इसलिए जो है अंग्रेज़ों ने फूड डालो राजगुरु नीति अपनाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दो में कहा जाता है कि स्थायी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त क्या है? स्थायी व्यवस्था क्या थी? स्थायी बंदोबस्त का क्या अर्थ है? तो कैसे भी आपका सवाल यहाँ पर घूम फिर क्या सकता है। इसमें देखा जाए स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में शुरू की। इस व्यवस्था के अनुसार जिम्मेदारों को अंग्रेज सरकार को पैसे की एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी और शेष राशि जिम्मेदार की होती थी। जमींदार ज़्यादा मुनाफे के लिए किसानों पर अत्याचार करने लगे थे। यदि किसी कारण जमींदार अंग्रेज सरकार को राशि नहीं दे सके तो अंग्रेज उस जमींदार की संपत्ति को बेचकर राशि वसूलते थे। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार को स्थायी बंदोबस्त से फ़ायदा हुआ, लेकिन इससे अंग्रेज सरकार की आय निश्चित हो गई और अंग्रेज सरकार के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। लगभग 20 वर्ष बाद इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया। तो देखा जाए स्थायी बंदोबस्त है क्या? तो देखा जाए जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज से बहुत ही थोड़े से थे और उन्होंने जो है पूरे भारत पर राज करना चाहा था और इतने बड़े गए थे भारत पर, जगह जगह से उन्हें जो है पैसे इकट्ठे करने थे, टैक्स लेना था, लगान लेना था। तो इसके लिए गलत कि जो उन्होंने जो है एक स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की, जिसमें उन्होंने जो है कि कुछ जिम्मेदार लोग होते थे या कुछ पेशेवर लोग होते थे, तो उनको जो है गलत कि कहा कि भाई आप में से जो गलत है कि यहाँ से मुझे हर साल पैसा देगा वो यहाँ का भाई मालिक है, उसे जो है हर साल अंग्रेज़ों को एक निश्चित राशि देनी है और उससे ऊपर जो है जो भी गलत है कि वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वो उस जिम्मेदार के पैसे हो जाते हैं। अगर मान के चलिए कोई गांव है, वहाँ का कोई जिम्मेदार है और उसे जो है अंग्रेज़ों को हर साल देने हैं 1000 रुपये, तो वो अब ये सोचेगा कि मुझे जो है 1000 रुपये से ज़्यादा यहाँ से लगान, टैक्स या जो भी है मुझे वसूलना है, क्योंकि 1000 रुपये देने बाद जो बचा वो जमींदार का, अगर उसने वहाँ से इकट्ठा किए 1200 रुपये तो 1000 रुपये अंग्रेज़ों को देने बाद जो बचेगा 200 रुपये वो जमींदार का। तो ऐसे में जो है ये जमींदार जो है ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपने ही जो है भारतीय भाइयों पर, अपने भारतीय किसानों पर अत्याचार करने लगे ताकि वो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा ऐड सके, उस पैसे से अपनी संपत्ति जोड़ सके। और किसी कारण देखा जाए अगर ये जिम्मेदार जो है सरकार को, अंग्रेज सरकार को पैसा देने में असमर्थ हो जाते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में अंग्रेज सरकार क्या करती है कि इन्हीं जिम्मेदारों की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उन्हें नीलाम क्या कर देती, उन्हें नीलाम करने के बाद अपना पैसा लिया करती थी, अपना पैसा वसूलती थी। लेकिन क्या हुआ आगे चल के, अंग्रेज सरकार जो है इस बंदोबस्त को काफ़ी लंबे टाइम तक चलाती रही, अंग्रेज सरकार के खर्चे थे,
खर्चे तो क्या हुआ, बढ़ते गए, महंगाई के हिसाब से खर्चे बढ़ते गए, लेकिन जो स्थायी बंदोबस्त था उस स्थायी बंदोबस्त से जो हर साल जो है आय आनी थी वो थी फिक्स। तो हर साल जो पैसा है वो आ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा, वो फिक्स है, लेकिन जो कंपनी के अंग्रेज सरकार के जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसे में देखा जाए स्थायी बंदोबस्त आगे के लिए, आगे टाइम के लिए नुकसानदायक हुई, क्योंकि इससे जो है कंपनी जो है अपने खर्चे नहीं चला पा रही थी। और हुआ क्या, लगभग 20 साल बाद इस स्थायी बंदोबस्त को उन्हें ख़त्म करना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे कहा जाता है कि अंग्रेज शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद को किस प्रकार बढ़ावा दिया। तो बहुत ज़रूरी सवाल है यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज शिक्षा है, अंग्रेज शिक्षा जो है भारत में बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में राष्ट्रवाद की भावना का विशेष रूप से विकास हुआ। इस विकास में विशिष्ट बौद्धिक वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में अंग्रेज शिक्षा के प्रसार से एक विशिष्ट वर्ग का निर्माण हुआ जो स्वतंत्रता को मूल अधिकार समझता था और जिसमें अपने देश को अन्य पाश्चात्य देशों के समकक्ष लाने की प्रेरणा थी। पाश्चात्य देशों का इतिहास पढ़कर उसमें राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत के प्राचीन इतिहास से नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी प्रेरणा नहीं मिली, लेकिन आधुनिक काल में नवोदित राष्ट्रवाद अधिकतर अंग्रेज शिक्षा का परिणाम है। देश में अंग्रेज शिक्षा प्राप्त हुए नवोदित विशिष्ट वर्ग ने ही राष्ट्रता का झंडा उठाया। अगर आसान सी भाषा में आपको मैं समझाना चाहूँ तो भारत में जब अंग्रेज आए तो भारत में बहुत ही कम, एकदम ना के बराबर लोग थे जो अंग्रेज शिक्षा को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। तो क्या होता था कि अंग्रेज सरकार जो है भारत पे अत्याचार करती थी, उनको गाली भी देती थी, और भारतीय उस टाइम पे जो है अंग्रेजी ना आने के कारण समझ नहीं पाते थे। जब कहते हैं कि भारत में लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा पढ़ना शुरू किया, अंग्रेजी पढ़ना लिखना समझना शुरू किया, तब उन्होंने क्या करा कि बहुत से विदेशी किताबें उन्होंने पढ़ी। उन्होंने किताबों में पढ़ा कि और भी देश है, इंग्लैंड की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, और भी कई देशों की जो क्रांति थी उनके बारे में पढ़ा। और पढ़ा क्या कि उन्होंने समझा कि अगर दूसरे देश क्रांति करके आज़ाद हो सकते हैं तो भारत क्यों नहीं आज़ाद होता। अगर दूसरे देशों ने भी गत क्रांति करी है, अपने राजाओं के खिलाफ आंदोलन किए हैं और आज़ाद हुए हैं, या दूसरे देशों की सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हैं और आज़ाद हुए हैं, तो भारत भी इन अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर सकता है, भारत भी इन अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकता है और इन्हें हरा सकता है और भारत को आज़ाद कर सकता है। तो इसकी खबर लोगों की ऐसी सोच में बदलाव कब आया, जब लोगों ने गलत अंग्रेजी पढ़ना लिखना शुरू किया, क्योंकि भारत की दूसरे देशों की जो किताबें थी वो किताबें थी, जो पुस्तकें थी वो थी इंग्लिश में, और इंग्लिश तभी वो पढ़ पाए, तभी वो समझ पाए जब उन्होंने गलत कि इंग्लिश को उन्होंने अपनाया, इंग्लिश भाषा को उन्होंने समझा, और इंग्लिश में गलती है कि वो उनको पढ़ के उन्होंने वो समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध क्या था। तो प्लासी की लड़ाई क्या थी, तो आपने जो है कई बार सुना होगा प्लासी की लड़ाई। तो देखा जाए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएँ 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में आमने सामने आ गई थी। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक ओर मीर मदान मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे धोखेबाज भी थे। युद्ध 23 जून सुबह 9 बजे शुरू हुआ था। मीर जाफर एवं राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे। इस युद्ध में मीर मदान मारा गया। रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध के ही विजयी रहा। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। के एम पणिकर के अनुसार यह एक सौदा था जिसे बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। तो देखिए यहाँ पे कहते क्या होता है कि ये जो लड़ाई थी यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई थी। इस युद्ध के कारण क्या थे, प्लासी की लड़ाई के कारण क्या थे, यह सवाल आपको आ जाता है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध के क्या कारण थे, कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में अनबन के क्या कारण थे। तो जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने जो है कि भारत के बहुत से नियम कानून को नहीं माना, जिससे जो है सिराजुद्दौला जो है नाराज थे। अंग्रेजों ने जो है किलेबंदी करनी शुरू करी, जिससे कहते हैं सिराजुद्दौला नाराज हुआ। अंग्रेजों ने जो है कि बहुत से नियम कानूनों को नहीं माना, और जिस वजह से सिराजुद्दौला नाराज हुए
और एक और घटना थी, वो घटना क्या थी, ब्लैक होल की घटना, जिसमें जो है सरोज दुर्रा ने एक बार जो है कुछ अंग्रेज अधिकारियों को अपनी काल कोठरी में डाल दिया था, कारावास में डाल दिया था, और हुआ क्या, अगले दिन जो है सुबह सभी के सभी अंग्रेज मारे गए थे। तो जिस वजह से अंग्रेज जो है थे नाराज़ थे ब्लैक होल की घटना से, और सिराज दौला से युद्ध करना चाहते थे, सिराज दौला को हराना चाहते थे। तो ऐसी कई वजह थी जिस वजह से सिराज दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई। और प्लासी के युद्ध के समय जो है सिराज दौला की लड़ाई होनी थी अंग्रेज़ों के साथ में 23 जून 1757 को। और ऐसे में जो देखा जाए यहाँ पर मीर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों से जा मिला, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसे जो एक तरह का लालच दे दिया कि भाई तुम हमारा साथ दो, और युद्ध में जो है कि सिराज दौला के हारने के बाद हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और इस लालच में जो है मीर जाफ़र आ गया, और युद्ध के समय जो है मीर जाफ़र निष्क्रिय बना रहा, और ऐसे में सिराज दौला आसानी से हार गया। और सिराज दौला के हार जाने के बाद अंग्रेज़ों ने करा क्या कि मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। तो ये था यहाँ पर प्लासी का युद्ध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, बक्सर का युद्ध क्या था। बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में आरंभ हो चुका था, लेकिन मुख्य रूप से यह युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 में लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य कई झड़पें हुई, जिनमें मीर कासिम पराजित हुआ, फलस्वरूप वह भाग कर अवध आ गया और शरण ली। मीर कासिम ने यहाँ के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सहयोग से अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई, लेकिन वह इस कार्य में सफल नहीं हो सका। अपने कुछ सहयोगियों की गद्दारी के कारण वह युद्ध हार गया। तो देखा जाए यहाँ पर जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी लड़ाई के बाद में मीर जाफ़र को सम्राट बना दिया गया। जब मीर जाफ़र जो है सम्राट बना, तो उसने अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए बहुत सारा उपहार दिए, तोहफे दिए, पैसा भी दिया, जिससे अंग्रेज़ खुश थे। लेकिन जो है लंबे टाइम तक जो है मीर जाफ़र वो अंग्रेज़ों को खुश ना कर सका, जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ों ने जो जाफ़र को राजगद्दी से हटा दिया। उसके बाद जो है मीर जाफ़र का जो दामाद था उसका नाम था मीर कासिम। तो मीर कासिम को जो है राजगद्दी पर बैठाया गया। तो मीर कासिम जो है निकला एक सच्चा भारतीय, एक सच्चा देशभक्त, जो अंग्रेज़ों को मान चुका था अपना दुश्मन, कि अंग्रेज़ हमारे दुश्मन है। और इस वजह से जो है मीर कासिम ने जो है कि अंग्रेज़ों की बहुत सी नीतियों का, बहुत सी बातों का नहीं माना। और क्या हुआ, दोनों के बीच में गलती की अनबन हुई, दोनों के बीच में गलती कई झड़पें हुई, और जिस वजह से गलती की मीर कासिम और अंग्रेज़ बीच में एक लड़ाई हुई 1764 में, जिससे कहा गया बक्सर की लड़ाई, जिसमें मीर कासिम हार गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में ऐसा कहा जाता है कि हैदर अली कौन थे। तो देखा जाए हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। उनका जन्म का नाम हैदर नाइक था। वो अपने सैन्य कौशल के कारण काफ़ी प्रतिष्ठित हुए, और इसी कारण मैसूर के शासकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंग्रेज़ों को वह अपना शत्रु मानते थे, कि अंग्रेज़ जो है हमारे शत्रु है। और हैदर अली के ही थे एक पुत्र थे, जिनका नाम था टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर ए मैसूर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में ऐसा कहा जाता है, भारत से धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं, कि भारत से धन का निष्कासन का मतलब क्या है। देखा जाए यहाँ पर जब भारत में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज क्या करते रहे कि भारत से धन को लूटते गए और उसे अपने देश भेजते गए। ये था भारत से धन का निष्कासन। देखें, धन का निष्कासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक देश से दूसरे देश की ओर निरंतर धन का प्रवाह होता है, लेकिन उस धन के बदले में उस देश को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ना वस्तु ने सेवा। भारत में धन की निष्कासन प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश द्वारा जून 1757 में बंगाल की विजय के बाद में शुरू हुई। प्रारंभ में इस धन का निष्कासन का स्वरूप था बंगाल से लूट, बंगाल के नवाब द्वारा दिया गया पुरस्कार, दस्तक के दुरुपयोग से प्राप्त लाभ, और 1765 के इलाहाबाद के संधि के बाद दीवाने अधिकार से प्राप्त राजस्व। ऐसे कई कारण थे जिस वजह से कहते हैं कि जो है अंग्रेज़ भारत से धन लूटते गए और उस पैसे को, उस धन को जो अपने देश
भेजते गए। यहाँ जो है अंग्रेज़ जो है कि बहुत से भारतीयों से उपहार लेते थे, बहुत से जो है कि रिश्वत लिया करते थे, बहुत से जो है कि किसी न किसी तरह से वो पैसे लिया करते थे लोगों से, भारतीयों से। और वो सारा जो है पैसा है, धन है, या कीमती वस्तु है, कीमती सामान है, या कोई भी ऐसे ही जो वैल्यूबल चीज़ है, वो अपने साथ अपने देश में ले जाया करते थे। और अपने देश से जो है भारतीयों को ऐसी कोई चीज़ नहीं देते थे, ना ही तो कोई वस्तु होती थी, ना कोई ऐसी कोई खास सेवा होती थी। तो इसे कहा जाता है धन का निष्कासन, जो कि अंग्रेज़ भारत से करते रहे, कि भारत की बहुत सी ऐसी वैल्यूबल चीज़ें हैं जो आज भी है, जो भारत से जा चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे कहा जाता है कि सहायक संधि क्या थी। तो देखा जाए, सहायक संधि हस्तक्षेप की नीति थी जिसका प्रयोग भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से लेके 1805 ईस्वी तक किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया। इस प्रणाली में कहा गया कि प्रत्येक भारतीय शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए धन का भुगतान करना होगा, और इसके बदले में ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश उनके विरोधियों से सुरक्षा करेगी। इस संधि में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। अगर आसान शब्दों में आपसे कहा जाए, जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत में साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए एक संधि का इस्तेमाल किया, एक सहायक संधि नीति का इस्तेमाल किया, जिसमें कहते हैं कि वो जो है राजाओं के पास में, जो शासक थे उनके पास में जाते थे और उनके सामने प्रस्ताव रखते थे। प्रस्ताव ये होता था कि अंग्रेज जो है उन राजाओं की सहायता करेंगे, अगर कोई विदेशी आक्रमण होता है तो अंग्रेज जो है उन राजाओं की सहायता करेंगे, विदेशी आक्रमण से बचाएंगे, और ऐसे में गलती क्या है कि उन्हें अपनानी पड़ेगी सहायक संधि, यानी कि वो जो है अंग्रेजों से बिना पूछे ना तो कोई युद्ध करेंगे, ना कोई गुप्त संधि करेंगे, और ना ही ऐसे गलती कि कोई विशेष निर्णय ले सकते हैं। उन्हें जो है अंग्रेजों की जो है सहायक संधि अपनानी पड़ेगी, और अंग्रेज जो है अंग्रेजी सरकार जो है उन्हें गलते काफ़ी पैसा भी देगी इस संधि को अपनाने पर। तो शुरुआत में गलते क्या हुआ, बहुत से लोगों ने, देशी राजाओं ने गलते इस सहायक संधि को अपना लिया, ये सोच के कि अंग्रेज़ हमारे सपोर्टर बन गए हैं, हमारे मददगार बन गए हैं, अगर विदेशी ताकतों ने हम पर आक्रमण किया अंग्रेज हमें बचाएंगे, अगर कोई भी ऐसी दिक्कत हुई, परेशानी हुई, अंग्रेज़ हमारे हमें बचाएंगे, और हमें साथ में अंग्रेज कहते हैं कि हमें पेंशन भी दे रहे हैं, हमें पैसा भी दे रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है हमें अंग्रेजों की तरफ से। तो ऐसे में बहुत से जो राजा थे वो लालच में आ गए थे और उन्हें सहायक संधि अपना ली थी, जिस वजह से कहते क्या हुआ कि आगे चल के वो धीरे धीरे साम्राज्य अंग्रेजों का होता चला गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न मनो, लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति क्या थी। तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे आपके लिए। इस सवाल को कई तरीके से यहाँ पे घुमाया फिराया जा सकता है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति क्या थी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति क्या थी, कैसे भी इस सवाल को घुमाया फिराया जा सकता है। तो चलिए पहले जो उसमें लिखा है मैं आपको समझाता हूँ। डलहौजी ने 1848 में इसने रियासतों का विलय करने के लिए एक नीति लागू की, जिसे हड़प की नीति भी कह सकते हैं, विलय की नीति भी कह सकते हैं, लैप्स की नीति भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या था, निसंतान राज्यों के दत्तक पुत्रों के अधिकार को ना मानते हुए उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लेना, कुशासन के आधार पर देशी राजा को हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेना शामिल था। इस आसान शब्दों में अगर कहा जाए, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अंग्रेज साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो है लैप्स की नीति, विलय की नीति अपनाई। अगर कोई भी भारतीय राजा, शासक या कोई भी ऐसा है जो काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, संपत्ति वाला व्यक्ति है, अगर वो जो है अपने सगे बेटे के बिना, अपने सगे बेटे के बिना अगर वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अंग्रेजों की। ये थी लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति, हड़प की नीति। साथ में कहते हैं कि इस नीति में ये भी कहा गया कि अगर कहते हैं कोई भी राजा है, अगर वो अपने जो है देश का, राज्य का, क्षेत्र का ठीक से वो अगर अपना शासन नहीं कर पा रहा है, तो अंग्रेज सरकार उसको हटा देगी और वहाँ अपना कब्जा करके वहाँ का संचालन करेगी। तो ये भी लॉर्ड डलहौजी की नीति में आता है। तो ये थी यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की नीति, जिसने कहते हैं कि भारत में अंग्रेज सरकार की साम्राज्य को बढ़ाने में बहुत तेज़ी से वृद्धि की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा
जरूरी सवाल है क्योंकि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में लगभग हर साल आपके आते ही आता है। 1857 विद्रोह के लिए कि आपका एक सवाल बनता ही बनता है यहाँ पर, कि ये सवाल ये बनता है दो तरीके से कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे और 1857 विद्रोह का असफल क्यों रहा। कि 1857 का विद्रोह हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा विद्रोह था, लेकिन ये विद्रोह जो है असफल रहा। तो दो तरीके से आपका सवाल पूछा जाता है कि 1857 विद्रोह के क्या कारण थे, और दूसरे तरीके से आपका सवाल पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1857 विद्रोह के क्या कारण थे, 1857 का विद्रोह क्या था। तो देखा जहाँ पर 1857 के विद्रोह के कुछ यहाँ पे मैंने कारण बताए हैं, जो कि यहाँ पे सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, ये कुछ यहाँ पे कारण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हमें राजनीतिक कारण की। तो राजनीतिक कारण यहाँ पे क्या थे, तो राजनीतिक कारणों में लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति थी, वेलेज जिले की सहायक संधि प्रमुख कारण थी, जिस वजह से गलती क्या है कि 1857 का विद्रोह हुआ। क्यों, जब वो कहते हैं लॉर्ड डलहौजी की लेफ्ट स्थिति है कि अगर कोई भी राजा महाराजा अपने सगे बेटे के बिना मर गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो अंग्रेज़ों की हो जाएगी, या सहायक संधि थी जिससे बहुत से राजा मान चुके थे, बहुत से राजा उसे नहीं मान रहे थे, तो ऐसे में गलते कि 1857 का विद्रोह हुआ। साथ में देखा जाए यहाँ पे सैनिक विद्रोह भी था, जिसमें गलते है कि बहुत से सैनिकों के साथ में भेदभाव किया जाता था, उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी, उनको जो है कि पदोन्नति नहीं मिलती थी, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, ऐसे में जो है यहाँ पे 1857 का विद्रोह होने का एक प्रमुख कारण बना। अगर बात करें यहाँ पे हम सामाजिक कारण की, कि सामाजिक कारण क्या थे, तो देखा जाए पे अंग्रेज प्रशासन ने भारतीय समाज में कई सुधारवादी कार्य करने शुरू कर दिए थे, जिसमें भारतीय नाराज थे कि समाज में गए तो बहुत से ऐसे कमियाँ थी, बुराई आती, जिन्हें कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने दूर करना शुरू किया। तो साथ में कहते हैं कि रेलवे की शुरुआत भी थी, जब अंग्रेज़ों ने भारत में कहते रेलवे की शुरुआत करी थी, लोग उससे डर गए थे, लोगों ने सोचा कि ये ट्रेन है, रेलवे है, ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि अगर किसी भारतीय ने अंग्रेज़ों की बातें नहीं मानी है, अगर किसी भारतीय ने अंग्रेज़ों की बात नहीं मानी, अंग्रेज़ों के नियमों को नहीं माना, तो अंग्रेज़ सरकार जो है उन्हें पकड़ के रेल की पटरी पर बांध देगी, ऊपर से ट्रेन गुजार देगी। तो लोगों में इस तरह का डर था, तो ये भी एक जो कारण बना 1857 विद्रोह का। अगर बात करूँ यहाँ पे मैं आर्थिक कारण की, कि आर्थिक कारण क्या थे, तो आर्थिक कारण में देखा जाए ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण बड़ी संख्या में किसान व जमींदार अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे क्योंकि भारतीय व्यापार बहुत बुरी तरह से ठप हो चुका था, जिस वजह से कहते हैं कि लोग नाराज थे अंग्रेज़ों से। अगर बात करी जाए यहाँ पे धार्मिक कारण की, तो धार्मिक कारणों में देखा जाए ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपने पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया, साथ में जो है ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को नौकरियों में प्रमोशन देना, शिक्षा की सुविधा देना आदि का लालच दिया जा रहा था कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता है तो उसे कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, ऐसे कहते कि लोगों में लालच दिया जा रहा था, जबकि भारतीय जो है वो ईसाई धर्म को नहीं मानना चाह रहे थे, ईसाई धर्म को नहीं, ईसाई धर्म का पालन नहीं करना चाह रहे थे, ईसाई धर्म को नहीं अपनाना चाह रहे थे, तो बहुत से लोग जो है इस वजह से भी जो है कि नाराज थे। साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर 1857 का एक प्रमुख कारण है, वो है तात्कालीन कारण, जिसमें आता है चर्बी वाले कारतूस। तो अंग्रेज़ सरकार जो है बंदूकों का इस्तेमाल करती थी, उन बंदूकों में इस्तेमाल होता था कारतूस, तो उस कारतूस को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था चर्बी, और चर्बी होती थी गाय और सुअर की। तो देखा जाए अंग्रेजी सेना में जो थे भारतीय लोग थे, और उसमें जो है हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और देखा जाए हिंदुओं में गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और मुस्लिम धर्म में जो है सुअर को बहुत बुरा माना जाता है। और ऐसे में अगर जब अंग्रेज़ों ने जो है उस कारतूस में इनसे बनी हुई चर्बी का इस्तेमाल किया, तो जो है दोनों धर्म के लोग इसके विरोधी हो गए, कि यहाँ मानने लगे कि इन्होंने जो है हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, इन कारतूसों के इस्तेमाल से हमारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि उस कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटा जाता था, और जब उस कारतूस को मुंह से काटा जाता था तो उस पर लगी चर्बी का कुछ हिस्सा उनके मुँह पर लगता था और मुँह से उनके शरीर में जाता था। तो जिस वजह से गलते कि देखा जाए कि उन भारतीय मानने लगे थे कि इन अंग्रेज़ों ने इन ऐसे कारतूसों का इस्तेमाल करवा के हमारा धर्म भ्रष्ट करवा दिया है, और वो जो है अंग्रेज़ों के विरोधी हो चुके थे, और अंग्रेज़ों का उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, जो कि था तात्कालीन कारण। तो इसके अलावा और भी कहते कई कारण थे जो कि 1857 के विद्रोह के कई कारणों में से एक है।
दोस्तों यहाँ पर गलती है कि आपका गलती है कि हाँ मैंने बताया सवाल में कि 1857 विद्रोह के कारण क्या थे, लेकिन सवाल एक और भी आ सकता है। वो सवाल क्या सकता है कि 1857 विद्रोह असफल क्यों रहा, इसकी विफलता के क्या कारण थे, इसकी विफलता के क्या कारण थे कि 1857 का विद्रोह सफल क्यों नहीं हो सका। तो देखा जाए इसके बहुत से कारण हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे गलती है देखा जाए बहुत से राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिस वजह से गलती है कि यह आंदोलन असफल रहा। ये आंदोलन जो है पूरे देशव्यापी नहीं हो सका, क्योंकि बहुत सी जगहों पे आंदोलन हुए, शहरों में हुए, लेकिन गांव में गलती है कि इस आंदोलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये आंदोलन गलती विफल हुआ, इसकी एक वजह यह भी थी कि अंग्रेजी सरकार की जो है संचार व्यवस्था बनी हुई थी। 1857 के विद्रोह की असफलता का एक कारण ये भी था कि भारतीय पास में गलते कोई योग्य नेता नहीं था जो भारतीय लोगों का मार्गदर्शन कर सके, भारतीय लोगों को बता सके कि कब कहाँ कैसे अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने हैं। 1857 विद्रोह के असफल होने का एक और प्रमुख कारण है, वो क्या है, हथियारों की कमी। भारतीयों के पास जो है लठ और तलवारें थी, जबकि अंग्रेज़ों के पास बंदूकें थी। तो भारतीयों के पास जो लठ और तलवारें थी वो अंग्रेज़ों के बंदूकों का सामना नहीं कर सकी, जिस वजह से 1857 के विद्रोह में भारतीयों की हार हुई। 1857 के विद्रोह की क्रांति का एक और कारण था इंग्लैंड से सेना आ जाना, कि यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों को पता चल चुका था कि कहते भारत में इस तरह का विद्रोह होने वाला है। तो ऐसे में जो है अंग्रेज़ सरकार ने जो है अपने देश से सेना बुला ली थी, जिस वजह से कहते हैं कि भारतीयों की हार हुई। 1857 के विद्रोह की असफलता का एक और प्रमुख कारण है, वो कारण क्या है, समय से पहले विद्रोह हो जाना। तो समय से पहले हुए थे विद्रोह हो जाने से कहते क्या हुआ, जगह जगह अलग अलग तारीख को विद्रोह होते रहे, जिस वजह से कहते हैं कि समय समय पर अंग्रेज़ सरकार उन्हें दबाती चली गई। अगर पूरे देश में एक ही दिन एक ही टाइम पर अंग्रेज़ों का विरोध होता तो शायद भारतीय लोग जीत जाते हैं। तो ऐसे और भी कई कारण हैं जिस वजह से कहते हैं कि अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में 1857 के विद्रोह में भारतीयों की हार हुई। दोस्तों मैंने आपके लिए फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है, इसका नाम है STLC, और एक फेसबुक पेज है STLN सेंटर। आप इनसे ज्वाइन होकर आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको जो है कि पढ़ाई को लेके जो भी प्रॉब्लम है, बुक्स है, असाइनमेंट है, क्वेश्चन आंसर है, आप इस ग्रुप में आके आप शेयर कर सकते हैं अपने सवाल जवाब। यहाँ आपके जैसे और भी विद्यार्थी है जो आपकी सहायता करेंगे, साथ में अगर आप किसी की अगर सहायता कर सके तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। आपके जैसे और भी विद्यार्थी या अगर आप उनको लगे कि हाँ आप किसी के सवाल का जवाब अच्छे से जानते हैं तो आप उसके सवाल का जवाब बता के आप उसकी मदद कर सकते हैं। और इस ग्रुप में मैं भी हूँ और इस ग्रुप में मैं आपकी सहायता करता रहता हूँ। लेकिन क्या है कि एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि इस ग्रुप में सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट हैं और उनके बहुत सारे सवाल हैं। मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। मैं रोज़ाना मुश्किल से 50-60 लोगों के ही मैं जवाब दे पाता हूँ। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप एक दूसरे सवाल करिएगा, एक दूसरे से शेयर करिए जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।